हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फूड किचन। गाइस, आज की रेसिपी है चिल्ली पटैटो। क्यों, नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया ना, और देखकर भी लग रहा होगा कि कितनी डिलीशियस बनी है। जितनी ही ये देखने में सुंदर है, उतनी ही ये खाने में भी टेस्टी है। टेस्टी क्या, बहुत टेस्टी है। तो आप इसे बनाएं, बहुत अच्छी रेसिपी है, चटपटी है, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। मैं तो इसे बहुत बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी करे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसे मैंने धो के कट कर लिया है। देख सकते हैं फ्रेंच फ्राइज की शेप में मैंने इसे कट किया है, और फिर मैंने इसे साफ पानी में डाल दिया जिससे कि इसका स्टार्च निकल जाए और ये काले ना पड़े। ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई में 4 गिलास पानी डाला है। इसमें अब हम डालेंगे 2 चम्मच नमक। पानी में हम एक उबाल आने की वेट करेंगे। देख सकते हैं पानी में उबाल आ रहा है, तो इसमें हम वो आलू डालेंगे जो हमने फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट किए हैं। पानी आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, बस हमारा मेन पर्पस यही है कि आलू उसमें अच्छे से डिप हो जाए और जो नमक है वो अच्छे से आलू के अंदर चला जाए। अब हम 4 से 5 मिनट इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आलू भी हमारे ट्रांसल्यूसेंट हो गए हैं। ये स्टेप करने का पर्पस हमारा ये होता है ताकि इनका एक्सेस में जो स्टार्च है वो निकल जाए और आलू एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन सके। तो यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ड्रेन कर लेंगे। आलू में से पानी को मैंने ड्रेन कर लिया है। आलू अभी गर्म है, इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं, मैंने लिया है एक खाली बाउल। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चावलों का आटा। अगर चावलों का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैदा, ये भी इसमें डाल देते हैं। अगर आप घर की चम्मच यूज कर रहे हैं तो 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच मैदा ले लीजिए। अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब हम इन्हें हाथों से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं मैदे और चावलों की, आटे की जो कोटिंग है वो अच्छे से चावलों पर हो गई है। तो चलते हैं अब अगले स्टेप पर। अब हम दूसरी कोटिंग के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैंने लिया है 1 बाउल। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच चावलों का आटा। घर की चम्मच होगी तो आप 6 चम्मच चावलों का आटा डाल लीजिए। तो ये 4 चम्मच चावल का आटा मैंने डाल लिया है, और 4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे मैदा। इसमें हम नमक भी डालेंगे, तो मैंने आधा चम्मच नमक लिया है। नमक आप थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि जब हमने आलू को उबाला था तब भी नमक डाला था, और आगे जब हम रेसिपी तैयार करेंगे उसमें भी नमक डालेगा, तो कम नमक डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालें क्योंकि हमें बैटर काफ़ी गाढ़ा रखना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बना है। इससे क्या होगा, जो आलू पर इसकी कोटिंग होगी वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डालकर इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हम आलू को अब डीप फ्राई करेंगे। गैस को हमें मीडियम हाई रखना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो ये देखिए ये सेकेंड वाली कोटिंग का बैटर है। इसमें हम आलू को डालेंगे, एकदम से सारे नहीं डालेंगे, जितने एक बारी में आ जाए उतने डालेंगे। अच्छे से हाथों से कोट करेंगे ताकि हर एक आलू पर इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। ये देखिए, अब एक एक करके हम इसे कढ़ाई में डीप फ्राई करेंगे। हमें इन्हें एकदम से नहीं छेड़ना है। जब ये नीचे से थोड़ा सिक जाएंगे फिर हम इन्हें पलटेंगे। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करना है। आलू फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना बढ़िया लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आया है। हमें सेम कलर चाहिए, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और सारे आलू हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे आलू को मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। मैंने पैन में से सारा तेल निकालकर उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल छोड़ दिया है। इसमें अब हम डालेंगे 3-4 बारीक कटी लहसुन की कलियां। आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 4-5 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 प्याज जिसे मैंने लंबाई में काट लिया है, ये भी इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। प्याज को ट्रांसल्यूसेंट करेंगे। प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो गए हैं, तो प्याज के हल्के भुन जाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 शिमला मिर्च। इसे भी 2-3 मिनट हम भूनेंगे।
तो 2-3 मिनट के बाद चलिए अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर लीजिए, नमक स्वाद के अनुसार, नमक हमने कई बार डाला है तो आप थोड़ा ही डालें, नमक हम बाद में बढ़ा भी सकते हैं। 1/2 चम्मच देगी मिर्च, ये टोटली कलर के लिए है। अब इसमें हम सॉसेस डालेंगे, तो 1 से 1.5 चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस, 2 चम्मच टमाटो सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, चिली सॉस आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच विनेगर। सारी सॉसेस को हम मिक्स कर लेते हैं, हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट हम मिक्स करेंगे और गैस को यहाँ पर हम बिल्कुल लो रखेंगे क्योंकि हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है। मैंने 1 चम्मच लिया था कॉर्नफ्लोर और उसमें 3 से 4 चम्मच मैंने सिंपल पानी डालकर एक स्लरी तैयार की है, तो ये इसमें डाल देंगे और इसको हम 1 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। पकते हुए 1 मिनट हो चुका है तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन, इसे भी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस अब हमें देर नहीं करनी है, अब हम इसमें डालेंगे वो सारे आलू जो हमने फ्राई किए थे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे सॉसेस जो अपने फ्लेवर है रिलीज कर दें और अच्छी सी कोटिंग इस पर आ जाए। तो अच्छे से हम फटाफट से इसे मिक्स करते हैं। वाओ, ये देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है हमारी डिश, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना। मैं इसे बहुत बनाती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं, आप इसे बनाइए, देखिए बच्चे झटपट खा जाएंगे, बहुत ही माउथ वाटरिंग रेसिपी बनी है। और आप एक काम करिए, जब सर्व करेंगे तो इसमें थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन ऊपर से डालकर फिर सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं, बहुत ही अमेजिंग है, आपको बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही सिंपल वे में है। पर थोड़ा सा जो मैंने प्रोसेस किया है वो इसलिए कि एक्स्ट्रा क्रिस्पी बने। तो सेम रेसिपी से बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट रेसिपी में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।